CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अमृतसर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए सुखबीर सिंह बादल व हरसिमरत कौर बादल ने आज अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचना था, मगर किसी कारणवश सुखबीर सिंह बादल अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब नहीं पहुंच सके। केवल हरसिमरत कौर बादल की श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और हरसिमरत कौर बादल ने सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक गुरु साहिब की हजूरी में नतमस्तक होकर गुरबाणी का श्रवण किया और इसके अलावा वापस जाते हुए मीडिया को किसी भी तरह के सवालों का जवाब नहीं देते हुए गाड़ी में बैठकर चली गई। वहीं उनके साथ SGPC के नवनियुक्त प्रधान भाई गोविंद सिंह लोगोवाल भी उनके साथ थे। वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। वहीं भाई गोविंद सिंह लोगोवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 550 साल प्रकाश पूर्व पर जिन लोगों ने सेवा की है, चाहे वो लंगर की सेवा हो, चाहे जोड़ा घर की सेवा, बहुत सी संस्थाओं ने लोगों की सेवा का कार्य किया है, उनके लिए जल्द ही एक बड़ा समागम करवाएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। वहीं उन्होंने श्री करतालपुर कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को आ रही परेशानी पर भी बोलते हुए कहा कि उन्होंने इजलास में भी मत डाला है कि पासपोर्ट को लेकर जो कठिनाइयां आ रही हैं या जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आज वो केंद्रीय वजीर बाबा हरसिमरत कौर बादल के समक्ष भी ये मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक होने आना था, परंतु उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। एक बार फिर ताड़े वास्ते विश्वास जताया गया, फिर तीसरी बार बने जो प्रधान हैट्रिक की थी, कहना चाहते हैं? तो बहुत खुशी की गल है कि गुरु रामदास महाराज ने बड़ी अपार कृपा की है और जिस तरह का पहला 2 साल का मेरा कार्यकाल बहुत बढ़िया लंघी है, शताब्दी आई है श्री गुरु नानक देव साहब महाराज 550 साल की और उसकी सेवा करने का माण दास नूं मिलिया। इस तरह हुण आने वाले समय के विच भी जिहड़ा तीजी बारी गुरु की मेहर के नाल सानूं इस सेवा का मौका मिलिया। सो इस साल के विच भी कुछ शताब्दियां आ रही ने, जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और जिहड़ी सिखां दी सरमोर संस्था है, इहदा 100 साला पूरा होण जा रहा, अगले नवंबर के असी वड्डी शताब्दी बनावांगे, गुरु साहिबां दीआं शताब्दियां कुछ आ रही ने। सारे आने वाले समय के असी जिथे शताब्दियां मनाउणियां ने, कुछ खास तौर पर साडी जिहड़ी विद्या खेत्र हैगा उहदे वल ध्यान दे के साडे जिहड़े स्कूल कॉलेज ने उहनां दा म्यार उच्चा चुकण वास्ते भी कुछ असी ऐसे चंगे चंगे जिहड़े लोग ने, एक्सपर्ट ने विद्या दे विच जां स्कॉलर ने, उहनां दीआं कमेटियां बना के असीं चाहुंदे हां कि विद्या का म्यार जिहड़ा स्कूलों कॉलेजों उच्चा चुकया जाए। बिल्कुल जी, असी ये सारा साल वैसे तो उदी भी मैं अनाउंस कर दिता सी सुल्तानपुर लोधी, आ साल भी असी गुरु नानक देव साहब महाराज के 550 साल प्रकाश पुरब न समर्पित होगा। सारे साल ही जोड़े प्रोग्राम चलेंगे, भावें गुरमत समागम ने, कोई नगर कीर्तन है, कीर्तन दरबार है, वो सारे जोड़े ने वी पद्धर से असी और मना जा रहे हैं। तो एक ये भी है, दूसरा कि असी जिन्हों लोगों ने सेवा की है, लंगर की सेवा की है, जोड़ियां की, संगत की, हर प्रकार की बढ़िया संस्थावान ने सेवा की है, नौजवानों ने सेवा की है, जी नौजवान संस्था बनिया ने, संत महापुरशा ने सेवा की है, वो एक दिन असं बड़ा समागम उत्थे करके उन्होंने सारा का सम्मान भी करा। पासपोर्ट भी कल भी असं अपने जनरल इजलास के मता पाया कि वह प्रक्रिया सरल बना चाहिए, पासपोर्ट की जिहड़ी शर्त है वह भी खत्म होनी चाहिए है, जे कोई एक परिवार सारे ग्रुप जाना चाहिए उत्ते वक्खो वक्खरे फार्म भरने पैंदे ने, वक्खो वक्खरियां उन्हां दीआं जिहड़ियां वेरीफिकेशन होंदियां ने, वह सरल बनाउणा चाहिए कि एक ही फार्म के उत्ते परिवार जिहड़ा एक जा सके। इस तरह कुछ दिक्कतां आ रही ने जिहड़ियां, वह सारियां दिक्कतां दूर करनियां चाहीदियां ने। अज्ज असीं इत्थे बीबा हरसिमरत कौर बादल जिहड़े सेंटर के वजीर ने, वह भी आए ने, उन्हां नाल ही असीं बेनती की है ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ
वन टू वन जिहड़ा सारा सुखबीर जी दो तीन दिन ला के सारे नूं मिले ने, कल्ले कल्ले दी उन्होंने राय ली है, कल्ले कल्ले नूं पुछया गया, सुझाव लए ने, कल्ले कल्ले दी राय मुताबक उन्होंने सारा ये फैसला किया। जदों सारयां दी राय बन जाए जिहड़ी उहदे मुताबक ही ये सारा फैसला होया। सो इहदा विरोधी ने इन्होंने विरोध करना ही हुंदा हैगा। हाँ,